नमस्कार, मैं जैन सुशील चौरडिया बेंगलोर से। किसी मित्र के द्वारा मुझे एक ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर नाड़ी चिकित्सा के लिए भेजा और मेरी मुलाकात डॉक्टर महेश कृष्णमूर्ति से हुई। पता नहीं, पहले ही दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं सही जगह पर ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। उस दिन उन्होंने नाड़ी देख करके जो मेरा डायग्नोसिस किया, मैं हैरान था। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी को इतना पता चल सकता है, क्योंकि मैंने कभी नाड़ी चिकित्सा के बारे में नहीं सुना था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। उस दिन जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं हैरान हूं कि एक पांव से चलने वाला व्यक्ति चूंकि मेरे हिप जॉइंट में एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, मैं ठीक से चल नहीं पाता था और उस दिन एक ही दिन के ट्रीटमेंट में मैं यहां से बहुत ही कम दर्द के साथ चल करके गया। मेरा विश्वास बढ़ा और मैं लगातार यहां पर हर सप्ताह ट्रीटमेंट के लिए आने लगा। आज लगभग 7-8 महीने हो गए हैं मैं बराबर ट्रीटमेंट के लिए आता हूं। और बताना चाहूंगा कि आज की डेट में डॉक्टर महेश कृष्णमूर्ति मेरे गुरु भाई भी हैं। हम अध्यात्म जगत से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक पैर से सीढ़ी चढ़ता था और आज दोनों पैर से सीढ़ी चढ़ता हूं, कार की ड्राइविंग भी करता हूं और लंबे समय तक कर सकता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि इस वक्त मैं बिना किसी सहारे के दोनों पांव को एक ही लेवल पर रखते हुए बिना किसी सहारे के बैठ भी सकता हूं, उठ भी सकता हूं, बैठ सकता हूं, उठ सकता हूं और 90 डिग्री पर पैर को फोल्ड भी करता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि ऐसी भी चिकित्सा हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध है और जहां तक मैंने सोचा है शायद ये ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। पहले जब मेडिकल साइंस नहीं थी तो ये ट्रीटमेंट होता था और 100% सही होता था, यह मैं आज कह सकता हूं। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं हर्ट के भी ब्लॉकेज और माइट्रा क्लिप के लीकेज से ग्रस्त हूं और डॉक्टर साहब उसका भी इलाज कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि दो बार पहले जो मेरी इको हुई और उसके बाद जो इको हुई उसके अंदर में भी डिफरेंस देखा गया। आगामी 3-4 दिन के बाद फिर मेरा इको है, देखते हैं कितना सही हुआ है अभी तक। लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है और मैं डॉक्टर साहब के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इट्स नॉट ए मिरेकल, इट्स ए ट्रीटमेंट दैट टर्न टू ए मिरेकल। हमें लगता है कि ये मिरेकल है लेकिन ये डॉक्टर साहब की खासियत है। पता नहीं, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि इस वक्त भी कोई सिखाने वाला है यहाँ। लोग सीखने अगर आते हैं और सीखते हैं तो इस पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है और बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी मेडिसिन के ये ट्रीटमेंट हो सकती है। आयुर्वेद का ये हिस्सा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आयुर्वेद से ही मर्म चिकित्सा होती है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूं कि अगर हो सके
आपको अगर विश्वास हो, हाँ विश्वास होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर इमोशंस, आपको इमोशन से बाहर निकल करके ट्रीटमेंट करना होगा, चिंता से नहीं, चिंतन से ये ठीक होता है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप आ सकते हैं, आप अगर ट्रीटमेंट करने पर विश्वास रखते हैं तो एक बार आकर के देखिए। आजकल तो डॉक्टर साहब हाथ से नाड़ी भी नहीं देखते, एक सूता बांधते हैं और अपनी नाड़ी पकड़ करके बता देते हैं कि क्या आपके शरीर में क्या है, पूरी डायग्नोसिस करके बता देते हैं। दूत नाड़ी चिकित्सा भी करते हैं, जो दूर दराज बैठे हुए हैं उनके ललाट को देख करके भी आप बता देते हैं कि क्या बीमारी है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और ये कारगर है। मेरे मित्र को भी मैंने करवाया था जो हैदराबाद में है, कुछ लोगों को मैंने बताया भी है और कई आ भी रहे हैं, एंड 99% जिन्होंने मुझे फीडबैक दिए दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि ऐसा भी होता है। आपसे निवेदन है, कृपया अगर हो सके तो जरूर कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार।